उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में यातायात माह के दौरान लगातार पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार यातायात माह का बखूबी पालन करते दिखाई दे रहे हैं। यातायात प्रभारी मनोज कुमार सिंह आज शाम होते ही ज्वालागंज चौराहे पर यातायात प्रभारी मनोज कुमार सिंह अपनी पूरी टीम के साथ और फतेहपुर आरटीओ के साथ की गई ई रिक्शा के खिलाफ चेकिंग, जिसमें कि अवैध रूप से चल रहे रोड में ई रिक्शा पर कार्यवाही करते हुए श्री सिंह के द्वारा 15 ई रिक्शा को सीज किया गया। बातचीत में यातायात प्रभारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि यह अभियान लगातार प्रतिदिन चलेगा और यातायात को लेकर लगातार आम जनमानस व वाहन चालकों और छात्र छात्राओं को लगातार जागरूक किया जा रहा है। स्कूल कॉलेज में भी यातायात को लेकर लगातार बच्चों को पाठ पढ़ाया जा रहा है। यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें, अगर कोई भी यातायात नियमों को उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस चेकिंग से ई रिक्शा चालकों में डर भी देखने को मिला, जो कि अवैध तरीके से ई रिक्शा चलाते हुए अक्सर रोड पर दिख लगातार आप लोगों के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटनाएं को कम, अक्सर एक सड़क दुर्घटना हो रही है, जो ई रिक्शा से लोग परेशान हो रहे हैं, इसके लिए भी कार्रवाई की जा रही है। ई रिक्शा जो अवैध रूप से चल रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आगे अभी अभी 15 ई रिक्शाओं को सीज किया गया है, आरटीओ और पुलिस विभाग के संयुक्त टीम द्वारा 15 ई रिक्शा को सीज किया गया है। सर, लगातार आवाज़ उठाई जा रही है कि ई रिक्शाओं का जो रूट मार्ग है ये निर्धारित किया जाए, इसके लिए प्रशासन या आयोग के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? इस पर भी कार्रवाई चले, जल्द से जल्द हम लोगों ने 4 रूट बनाए, जल्द से जल्द आपसे समस्या दिया जाएंगे। और ई रिक्शाओं द्वारा भी उनसे मांगा गया है कि आप किस रूट पर चलना चाहते हैं, उनकी सुविधा को भी देखते हुए रूट का निर्धारण किया। आप लोगों के द्वारा सबसे अच्छा सराहनीय कार्य किया जा रहा है, जो छात्र छात्राओं को लगातार जागरूक किया जा रहा है और उनको एक नई किरण दी जा रही, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, छात्रों को क्या संदेश देंगे? छात्राएं को इसलिए ज़्यादा जागरूक किया जा रहा है क्योंकि गार्जियन छात्राओं की बात विशेष तौर पर मानते हैं। यदि कोई लड़की अपने गार्जियन से कहती है कि पापा ये काम नहीं करना है, हेलमेट लगा के चलना है, तो उसकी बात मानते हैं। इसलिए विशेष रूप से छात्राओं को सुरक्षा और उसका नाम है यातायात में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ज़्यादा